इस YouTube चैनल सागर 95 व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों सागर 95 YouTube चैनल पे मैं डालता हूँ बसेस के वीडियोस, और दोस्तों इस चैनल पे भी हमारे बसेस, ट्रक्स और एवं जो वीडियोस मैं सागर 95 चैनल पे नहीं डाल सकता वो भी इस चैनल पे मैं डालता हूँ। तो दोस्तों आज हम देखने वाले श्रीनाथ कोच से बनी हुई जो बस है उसके बारे में। ये गाड़ी आइशर की चेसिस पे बनी है और मर्सिडीज बेंज का इसमें डिजाइन यूज किया है, और एक गुजरात के बस बॉडी बिल्डर हमारे जो है हिमांशु सुतार जी, तो उनकी तरफ से बॉडी बन के आई है। दोस्तों चलिए फिर देखते हैं गाड़ी में क्या क्या खास है और चलिए देखते हैं बस को। दोस्तों हमारे सामने आइशर की चेसिस पे बनी हुई मर्सिडीज बेंज के डिजाइन में ये बस, तो चलिए बॉडी बिल्डिंग के वर्क दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हो आप फ्रंट फेशिया में अभी कलर का काम चल रहा है और काफी बढ़िया लगती है बस। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भैया ने अभी कलर स्प्रे गन उठा लिए और काफ़ी बढ़िया पिंक कलर इस गाड़ी में। और साथ ही देखे तो यहाँ पे स्टिकरिंग और लेवरिंग का काम चल रहा है। अभी थोड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इंडिया नाम का यहाँ पे फ्रंट रियर बैचिंग भी की है। और साथ ही दोस्तों रियर व्यू की अगर हम बात करें तो रियर व्यू आपको दिखाता हूँ मैं, तो इस साइड में मैं आता हूँ। हाँ तो ये देखिए रियर व्यू में काफ़ी बढ़िया ग्लॉस कर रहा है पेंट, और गुजरात की बॉडी है भाई तो काफ़ी बढ़िया बनी है। साथ ही साथ काफ़ी अच्छी लगती है लुक में भी और डिज़ाइन में भी। साथ ही दोस्तों गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया लगती है। वाटरप्रूफ टेस्ट जो अभी इस गाड़ी की बाकी है। ये गाड़ी सीटर सेगमेंट की गाड़ी है आप ये बात समझ लीजिए, और आइशर की है 12 मीटर सेगमेंट में आने वाली। और देख सकते हो मतलब बॉडी बिल्डिंग का अभी काम चल रहा है, आपको जब मैं फाइनल बस दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि गाड़ी कैसे दिखने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मतलब देखिए अंदर काम चल रहा है, बहुत सारे सीट्स वगैरह लगा चुके हैं इसमें और सीट्स को कवर करके रखा है क्योंकि कुछ मतलब उस पर गिरे ना और ख़राब ना दिखे। साथ ही साथ देख सकते हो अभी मतलब शाम के 6-7 बजे हो गए तो इसलिए देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों फाइनल जब गाड़ी बन के आई है तो आप देख सकते हो कम्प्लीटली लाइटिंग वगैरह इसमें बहुत बढ़िया की है। पीछे का जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया लगता है, आइशर का सिंबल है और उसके ऊपर मर्सिडीज का लोगो भी लगाया गया है। साथ ही साथ डे टाइम में देखोगे तो आपको जो लाइट्स है वो डायमंड लाइट्स इसमें दिए गए हैं, चौकोर शेप के लाइट्स है, और डोर में भी मतलब स्टेप्स में भी लाइट अच्छी दी है आपको, गोल्डन और वाइट फिनिशिंग में दी है व्हील कैप के साइड। इंडिया का फ्रंट का बैचिंग जो दिखता है भैया काफ़ी बढ़िया लगता है, और ट्रिपल हेलोजन हेडलैम्प और एक इंडिकेटर दिया है। साइड लुक में आप देखोगे तो ग्राफिक्स और लिवरी काफ़ी बढ़िया की गई है। इंडिया ट्रैवल्स के नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है, इंडिया की बैचिंग इसमें कंपलसरी है, वाइट मून लैम्प इसमें दिए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों लाइटिंग की बात करो तो इसमें आपको रेड ग्रीन मल्टी कलर लाइट इसमें दी गई है व्हील कैप्स के सहित। और साथ ही दोस्तों गाड़ी बॉडी की बिल्डिंग जो प्राइस है दोस्तों वो कम्प्लीटली आपको जाती है 15 से 20 लाख के दौरान आपके कस्टमाइजेशन के अनुसार। ये गाड़ी नॉन एसी सेगमेंट के लिए बनाई गई है, ये बात आप गौर कीजिए। ये गाड़ी नॉन एसी होने के कारण इसमें आपको एसी नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए, और गाड़ी अगर एसी बनाते तो इसमें एसी की प्राइस मतलब 4 से 5 लाख गाड़ी की कीमत बढ़ जाती है। और इंटीरियर जो दोस्तों आप देख ही सकते हो फ्लोरोसेंट कलर की इसमें सीट्स लगाए गए हैं, मतलब नाइट टाइम में सीट्स ग्लो होते हैं जो काफ़ी बढ़िया इफेक्ट देता है। और नीचे में आपको पिंक कलर की वॉयलेट कलर की पिंक वॉयलेट मिक्स कलर की लाइटिंग मिलती है अट्रैक्टिव फ्लोरिंग के साथ। और देख सकते हो रूप में जो दिए गए वो ग्रीन लाइट में रूप आपको दिए गए पैटर्न है, और साथ ही दोस्तों इसमें पैटर्न जो बनाया गया वो काफ़ी बढ़िया लगता है नाइट टाइम में, मतलब आपके जो पैसेंजर्स है उनको काफ़ी बढ़िया जर्नी का एक्सपीरियंस मिलेगा। और देख सकते हो जो बस की बॉडी बिल्डिंग क्वालिटी है वो इंटीरियर भी काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। दोस्तों इस गाड़ी की खास बात बताओ तो आइशर की जो चेसिस होती है उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़िया होती है, और गुजरात साइड में मेरे इस हिसाब से आइशर की चेसिस भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है अशोक लैंड एज़ कम्पेयर टू अशोक लैंड टाटा के कंपेरिजन में। पर आइशर की चेसिस के ऊपर गाड़ी बनाना भी एक अच्छा डील आपके लिए हो सकता है। सीट्स के ऊपर आपको लेदर कुशनिंग भी मिलती है और फ्रंट डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है आइशर की चेसिस पे, बढ़िया है। जो साउंड प्रूफिंग की जाती है वो काफ़ी बढ़िया होती है इस गाड़ी में। तो दोस्तों यही था इस गाड़ी की बॉडी बिल्डिंग के दौरान, और आपको अच्छा लगा उम्मीद करता हूँ ये वीडियो। और एक बात दोस्तों कि ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए होगी तो सागर 95 व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक बात दोस्तों कि अगर आपको ऐसी बस बनानी होगी तो आइशर की चेसिस की जो प्राइस है दोस्तों वो 23 लाख यानी 23 लाख से 26 लाख तक यानी 26 लाख तक आपको जाती है, और बॉडी बिल्डिंग की जो प्राइस है दोस्तों ऑलमोस्ट 14 से 20 लाख के अराउंड आपको पड़ती है। मतलब उसमें आप स्लीपर कोच बनाते हो, सिटिंग कोच बनाते हो, कोई और बनाते हो तो उसके ऊपर आपको ये सब कुछ डिपेंड होता है। दोस्तों फिर मिलूंगा अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक करना वीडियो को। तो बाय।